दोस्तों अगर बात की जाए अभिनेता धीरज धूपर की तो ये इन दिनों कुंडली भाग्य सीरियल में करण लूथरा का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां ये अपने इस किरदार से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसके चलते ये काफी फेमस भी हो रहे हैं। वहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस होने के साथ ये पर्सनल लाइफ में भी सेटल हो चुके हैं, जहां ये इन दिनों अपनी पत्नी विन्नी अरोड़ा के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन दोस्तों शादीशुदा होने के बावजूद भी ये अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी को स्टार श्रद्धा आर्या की 3 आदतों पर फिदा है। जी हाँ, तो आखिरकार वो श्रद्धा आर्या की कौन सी 3 आदतें हैं जिन पर धीरज धूपर शादीशुदा होने के बावजूद भी फिदा हो रखी है। बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके रूबरू होते हैं श्रद्धा आर्या की उन्हीं 3 आदतों से। नंबर 1, केयरिंग। सबसे पहले बात करते हैं अभिनेत्री श्रद्धा आर्या की उस आदत की जिस पर धीरज धूपर शादीशुदा होने के बावजूद भी फिदा है। तो आपको बता दें धीरज धूपर इनके केयरिंग नेचर पर फिदा है। ये हर किसी की केयर बखूबी करती है। जब किसी को इनकी मदद चाहिए होती है तो ये उस शख्स को जानती हो या ना जानती हो ये उनकी मदद करने लगती हैं, और इनका यही केयरिंग नेचर सेट पर भी देखा जाता है और इनके इसी नेचर पर धीरज धूपर फिदा हैं। नंबर 2, अपने काम को परफेक्ट करना। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इनकी उस आदत की जो धीरज धूपर को पसंद है। तो आपको बता दें इनकी वो आदत परफेक्ट तरीके से काम करने की है। जी हाँ, ये अपने हर एक काम को परफेक्टली और पूरे डेडिकेशन के साथ करती हैं, जिसके लिए इन्हें कई चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, पर ये अपने काम को लेकर कोई डिले नहीं रखती हैं और हर काम को समय पर ही परफेक्ट करती हैं। समय पर करने के साथ साथ ये उस काम को अच्छे तरीके से भी करती हैं और इनकी इसी आदत पर धीरज धूपर फिदा है। नंबर 3, सबसे अच्छे से बात करने का नेचर। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर बात करते हैं श्रद्धा आर्या की तीसरी आदत के बारे में, और वो है सबसे अच्छे से बात करने का नेचर। जी हाँ, ये हर किसी से बखूबी बात करती हैं, चाहे ये उस शख्स को जानती हों या ना जानती हों, पर ये अपने व्यवहार में किसी भी तरह का अकड़पन नहीं लेकर आती हैं और हर किसी से प्यार से बातें करती हैं। वही अगर कोई इनसे नाराज हो जाता है तो इनसे ऊंची आवाज में बात करने लग जाता है, तो उस बात का जवाब देने के लिए भी ये अपनी आवाज ऊंची नहीं करती और उसको प्यार से समझा कर बात खत्म कर देती हैं, और इनके इसी नेचर पर धीरज धूपर शादीशुदा होने के बावजूद भी फिदा हैं। वेल दोस्तों, आप श्रद्धा आर्या की इन आदतों में से किस आदत पर फिदा हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।